दोस्तों, क्या आप भी एक DSLR खरीदना चाहते हैं अपने बजट के अंदर और आप भी मेरी तरह कंफ्यूज्ड हैं कि ऑनलाइन DSLR खरीदना क्या सही है या नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक पंडित हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और टेक पंडित हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं एक DSLR की अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने खरीदा हुआ है एक बजट के अंदर। और बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि ऑनलाइन खरीदना DSLR क्या सही है या नहीं, तो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये मैंने DSLR खरीदा है ऑनलाइन से, तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग और कैसी है पैकेजिंग और DSLR ऑनलाइन खरीदना सही है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पैकेज जो कि मैंने पेटीएम से मंगाया, ये कैमरा, और यहाँ पर देखिए ये जो है पेटीएम मॉल से मैंने मंगाया है यहाँ पर ये, और ये बिल वगैरह है। और पेटीएम से मुझे थोड़ा सस्ता मिला है एज़ कम्पेयर टू बाकी वेबसाइट। तो चलिए जल्दी से खोलते हैं, देखते हैं आखिर इसमें कैसी है, क्या क्या मिल जाता है आपको। तो ये रहा हमारा कैमरा, ये हमारा कैमरा है नाइकॉन का, इसे हम साइड में रखते हैं और इसके अंदर और देखते हैं हमें क्या मिल जाता है। तो ये रहा बैग, बैग यहाँ पे आपको नाइकॉन की बैग मिलती है, इस पर ब्रांडिंग की है नाइकॉन की। अब इसे इसकी क्वालिटी ऊपर से तो ऐसे ठीक ही लग रही है मुझे, तो इसे एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसी है अंदर से क्वालिटी इसकी क्या है। तो ये रहा, देखिए इस पर निकॉन की एक ब्रांडिंग की हुई है, ऐसे तो ये लेदर बैग ही लग रहा है बट ये एक्चुअली लेदर है नहीं। तो चलिए इसको अब हम साइड में रखते हैं, ठीक ही है। अब ये रहा हमारा मेन यूनिट कैमरा, और इस बॉक्स को यहाँ पर देखिए ये है नाइकॉन D5300, 2 साल की वारंटी मिल जाती है इसके साथ, एक तोशिबा का माइक्रो SD कार्ड भी मिलता है। और यहाँ साइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये है 5300 AFP 1855, इसमें मिलता है वाईफाई, HDMI। और इधर है प्राइसिंग, तो प्राइस की बात करें तो इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 45,460 रुपये, लेकिन मुझे ये मिला है 29,000 रुपये में पेटीएम से, ऑफ़र के साथ कैशबैक मिल जाता है आपको। तो ये रहा कैमरा, अब इसे एक बार बॉक्स को हम खोलते हैं। तो ओके, यहाँ से खोलते वक्त तो ओके, यहाँ पे साइड में एक सेलो टेप लगा हुआ है, इसे भी हम निकाल देते हैं। तो रुके, इसको हमें कार्ड को निकालना पड़ेगा, तो इस माइक्रो SD कार्ड को हम निकाल के भी मैं दिखाई देता हूँ एक बार आपको कि कार्ड क्या है कैसा है। तो ये देखिए यहाँ पर है 16 GB तोशिबा, आप चलिए इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नाइकॉन के कुछ CDs, आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, उसके बाद इसे साइड में रखते हैं। और क्या है, तो ये रहा कुछ डॉक्यूमेंट्स है हमें निकॉन की तरफ से मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है आई एम लर्निंग फोटोग्राफी, 50% डिस्काउंट, बेसिक DSLR ट्रेनिंग आपको मिल दी जाती है, 2 साल की वारंटी है इसके साथ। अब देखते हैं वारंटी कार्ड है या नहीं इस बॉक्स के अंदर, जो कि हमें मेन कंसर्न, हमें डर रहता है कि ऑनलाइन खरीदेंगे तो मिलेगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पे 2 साल की वारंटी कार्ड दी गई है, कैमरा और लेंस दोनों की हैं यहाँ पे वारंटी कार्ड। तो दोस्तों, वारंटी यहाँ पे हमें मिल जाती है ऑनलाइन ख़रीदने के बाद भी। और यहाँ पे जो बिल है वो है सेलर के नाम की रहती है, पेटीएम की उस पर कुछ नहीं रहता, वो जो सेलर ने हमें भेजा उसका नाम रहता है बिल पे, तो वारंटी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा एक सॉफ्टवेयर CD है निकॉन की, इसे साइड रखते हैं। अब अंदर देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा कैमरा और लेंस, लेंस को निकालते हैं एक बार, लेंस भी देख लेते हैं। तो ये है लेंस हमारा, इसे निकालते हैं इसके अंदर से। और ये है निकॉन का कैमरा DX VR, जो भी नया भी आया है लेंस, 1855 है ये, बेसिक लेंस है। तो इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारे बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर एक स्ट्रैप मिल जाती है आपको निकॉन की ब्रांडिंग की हुई, उसके बाद ये है बैटरी, लिथियम बैटरी आपको एक मिल जाती है यहाँ पे, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे जो क्लेम करती है कंपनी, हम 500 से 600 शॉट पिक्चर ले सकते हैं एक बार अगर हम फुल रिचार्ज करते हैं बैटरी को। और ये रहा इसका चार्जर, बैटरी चार्जर है निकॉन की, तो ये ठीक ही लग रहा है, इसे भी साइड रखते हैं। और ये रहा हमें कुछ केबल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, ये केबल आपको मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर ही, तो इसके थ्रू आपकी TV वगैरह में भी कनेक्ट कर सकते हैं इस कैमरे को।
और ये रहा एक यूएसबी केबल है फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए। इसकी ज़रूरत कम ही पड़ेगी क्योंकि कैमरा में हमें वाईफाई मिलता है। तो और ये रहा अब हमारा कैमरा, तो कैमरे को निकालते हैं और देखते हैं जो कि ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का था कि ओरिजिनल मिलता है या नहीं मुझे। तो ये रहा कैमरा, यहाँ पर देखते हैं कहाँ का ये बना हुआ है, अभी समझ में आ जाएगा हमें। तो एक बार जूम करते हैं कैमरे को और यहाँ पर देखते हैं क्या है। ओके, ये है कैमरा दोस्तों, बना हुआ है मेड इन थाईलैंड जापान। तो हो ओवरऑल तो ये ओरिजिनल ही लग रहा है। हाँ ओरिजिनल ही है, यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग की हुई है, ये सब कुछ है। तो कैमरे को मैं एक बार थोड़ा सा आपको अच्छे से, वाईफाई यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ है। तो ये कैमरा मुझे, मैं पहले 3300 यूज़ कर रहा था, अभी मैंने ये कैमरा लिया है, तो मुझे तो इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन मिल ही जा रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार कैमरे की लुक दिखा देता हूँ साइड से। ये देखिए इधर से स्लो मोशन मैंने कुछ यहाँ पे लिए हुए वीडियोस की हुई है कैमरा की, तो अच्छा ही लगेगा आपको। ये देखिए ओवरऑल कैमरा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैमरा। और जिस चीज़ की डर थी कि मुझे ओरिजिनल मिलेगी या नहीं, वारंटी मिलेगी नहीं, तो सब कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ओरिजिनल ही मिलता है। और रिलायंस को थोड़ा फिर से हम एक बार निकालते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसकी ब्रांडिंग और वगैरह, ओरिजिनल है कहाँ का मेड है, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो ये भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है मेड इन थाईलैंड, तो लेंस भी मेड इन थाईलैंड ही है, तो ओरिजिनल ही है सब कुछ। और ये रहा बस एक अनबॉक्सिंग, इस जो कि हमें मेन कंसर्न रहता है कि हम ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो वारंटी मिलेगी कि और मिलेगी कि नहीं, और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स ओरिजिनल ही हैं दोस्त, और अच्छे ऑफ़र पे मिल जाए तो अच्छा ही है। जैसे कि मैंने पेटीएम से लिया है, ये मुझे पड़े 29,000 रुपये कैशबैक के बाद, तो एक अच्छा डील है एज़ कम्पेयर टू बाकी अमेज़न और फ्लिपकार्ट से। और ये ओवरऑल ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ, मैं इसके एक फुल रिव्यू लेके आऊँगा बहुत जल्द आप सबके लिए। तो उम्मीद है कि आपको जो जो एक क्वेरी थी, क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हुए हैं इस वीडियो से कि आपको ऑनलाइन ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो ऑनलाइन आप कैमरे बहुत आसानी से एक मीन्स अगर रेप्यूटेड वेबसाइट हो तो आप वहां से ज़रूर लीजिए, और आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। जैसा कि मुझे एक डाउट था, मैंने पेटीएम से लिया और मुझे अच्छा कैशबैक मिला, तो मैंने पेटीएम से ख़रीदा और मुझे अच्छा ही प्रोडक्ट मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बने रहें टेक पंडित हिंदी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।